नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। कहा गया अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज इन फ्रंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस इज 30 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल इज 1.5, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। कहने का मतलब ये है कि एक लेंस है, है ना, जो कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कन्वेक्स होगा। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ओबियसली जो है इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, है ना। तो इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे 1.5 दिया गया है, तो रखेंगे 1.5 माइनस 1। अब इसमें R1 और R2 का जो वैल्यू है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखा जाता है। साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऐसे जाएगा, तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और उसका उल्टा डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, ठीक। तो ये जो सरफेस है, अगर इस सरफेस को, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसका सेंटर आएगा इधर राइट साइड में। तो इस पहले वाले सरफेस का सेंटर कर्वेचर इधर है, तो इसका जो रेडियस है ना R1, रेडियस कर्वेचर, वो आएगा पॉजिटिव साइड में, यहाँ से इधर लेंगे पॉजिटिव साइड में। तो R1 का वैल्यू रखेंगे +30, है ना, माइनस 1/r2 जो है, इसका रेडियस और कर्वेचर जो है वो इन्फिनिटी है, चाहे माइनस रखें प्लस रखें वो तो वैसे ही जीरो होना है ना। तो ये हो गया 0.5 इंटू 1/30 इज इक्वल टू 1/60, यानी जो फोकल लेंथ है वो आ गया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 30 था ये सेंटीमीटर में दिया था, तो ये फोकल लेंथ भी 60 सेंटीमीटर में आया है ना। तो ये आंसर है इसका।